खुद को जाने और खुद को पाए, यही सबसे बड़ा सवाल है और यही सबसे बड़ा रहस्य है। बस इस एक चीज को जानने के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य आपके सामने खुल जाएगा। हर चीज का वो रहस्य आप जान जाएंगे कि क्या चीज करने से आपका हित होगा, क्या चीज को करने से आपका अहित होगा। जहां कभी कोई भी चीज समझ में नहीं आता है, वहां हर चीज आपको स्पष्ट और क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ, किस कारण से मेरा काम सफल नहीं हो रहा, किस कारण से नौकरी नहीं लग रही है, किस कारण से पैसे नहीं आ रहे हैं। यही सबसे बड़ी सिद्धि है और यही सबसे बड़ा साधना है, स्वयं को जानना और स्वयं को पाना। और इसे प्राप्त करने के बाद आपके साथ क्या क्या शक्तियां जो है चमत्कारिक रूप से चलेगा और आपके साथ क्या ऐसा चीज होगा, अद्भुत और अद्वितीय घटना, जिससे कि आप उन सब चीजों को, उन सब रहस्यों को और उन सभी असंभव कार्य को कर दिखाएंगे, उसे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि खुद को जाने तो मैं तो अपने आप को जानता हूं, मेरा नाम फलाना है, जो भी है, राम, राजेश या फिर श्याम, जो भी हो वह है, शरीर है, हाथ है, पैर है, कपड़े है, बाल है, सब है, ये तो मैं जानता हूं। तो जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वह है मूलभूत सत्य की बात कर रहा हूं। शरीर तो मिला है कुछ समय के लिए, हर एक को मिला है, हर एक प्राणी को मिला है, जीव जंतु को भी मिला है, लेकिन वह आप नहीं हो। आप प्रमाणित करके मैं दिखा दूंगा, आप शमशान घाट में जाइए, डेली यहाँ पे चीता जलते रहती है, तो शरीर रहता तो वह छूटता नहीं है। इसका अर्थ यही है कि आप भी शरीर नहीं हो, ना मैं भी शरीर नहीं हूँ। जो मूल सत्य है वह है वह अनंत की शक्ति। तो शरीर जब आप हो नहीं और मूल रूप आपका है क्या, उसी को अगर आप जान जाएंगे तो आपके अंदर होगा वह अद्भुत और चमत्कार करने की शक्ति। क्योंकि मैंने स्पष्ट आपको बताया है और प्रमाणित भी है कि शरीर का छूटना तय है, इसका मरना तय है या नश्वर है, तो बाकी सब चीजें भी छूटेगा। तो वह तो आप हुए नहीं, वह नहीं हुए तो फिर आप कौन हुए? तो फिर ऐसा क्या चीज है जिसे करने से वाकई में उस सत्य को आप जान पाएंगे? उस सत्य के कारण आपके अंदर वह शक्ति विकसित होगा, अनंत की अद्वितीय शक्ति। और जब आपके अंदर वह शक्ति विकसित होगा, जब आप मूल रूप को जान जाएंगे कि आप वाकई में एक्चुअल में वह अनंत की शक्ति हो, अद्वितीय शक्ति हो, तब आपके अंदर होगा एक चमत्कारी घटना। ऐसी चमत्कारी घटनाएं होगी कि आप जो है असंभव से असंभव, कठिन से कठिन और जटिल से जटिल काम को सहज और सरल रूप में कर देंगे। क्योंकि उस समय आपका जो संबंध रहेगा, जो आपका एक पहचान रहेगा, वह अनंत की शक्ति के साथ रहेगा, शिव की शक्ति के साथ रहेगा, उस शिवत्व रूपी ऊर्जा के साथ रहेगा। आप शरीर, मोह और ये बंधनों में नहीं रहेंगे, इसे पार हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और उसके बाद जब आप कोई भी कार्य करेंगे वह आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि बंधन ही है जो आपको रोक के रखा है। बंधन कहाँ पे? मन में है। मन में गांठ बंधा हुआ है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, यहीं तक कर सकता हूँ, इसलिए कोई भी काम में आप सीमित हो जाते हैं। तो मन ही हट गया तो आप जो है अनंत वाली शक्ति में पहुँच जाएंगे और उस समय होगा चमत्कार। जहाँ पे भी जाएंगे, जिस भी जगह पे जाएंगे, मिट्टी को भी पकड़ेंगे वह सोना बन जाएगा, यह कहावत और यह सत्य भी होता है। जिस व्यक्ति के पास भी खड़े हो जाएंगे, आप निडर रहेंगे, बेझिझक रहेंगे, स्पष्टवादी रहेंगे, जिस भी काम को करेंगे आपको संकोच नहीं होगा, आप उसमें स्पष्ट रूप से सफल होंगे। जहाँ पे भी आप कोई भी चीज कर रहे हैं उसमें आपके मन विचार में तालमेल रहेगा, एक अलाइनमेंट रहेगा। जैसे असमंजस की स्थिति रहता है, करूं या ना करूं, वैसी स्थिति आपके अंदर रहेगा ही नहीं। और उन सब चीज़ों को आप बहुत ही ज़्यादा स्पीड से करेंगे जो दूसरे लोग करते हैं। कहने का अर्थ है आपका जीवन का जो मूलभूत और मूल रूप है वह पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा।
और परिवर्तन भी ऐसा होगा कि आप तो शारीरिक रूप से वही रहेंगे, लेकिन जो आत्मिक बल है, जो अंदरूनी की शक्ति, वह आपके अनंत के साथ जुड़ जाएगा, उसके साथ मिल जाएगा, एकीकार हो जाएगा और आपके अंदर अद्वितीय सत्य जागृत होगा। जो लोगों को असंभव लगता है, कठिन लगता है, वह काम आपके लिए सहज और सरल होगा। लेकिन सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि आप हो कौन, और उस हो कौन को आप कैसे पाओगे, कैसे आप वहाँ तक